हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट वितरण को लेकर व्यक्ति ही नहीं बिरादरियां भी नाराज हो रही हैं। सैनी समाज इसका मुख्य उदाहरण है। भाजपा की पहली सूची में सैनी समाज को सिर्फ एक टिकट दी गई है। कैथल से भाजपा नेता पाला राम सैनी ने बताया कि इस विषय को लेकर पूरे हरियाणा में सैनी समाज में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के अंदर जो भाजपा ने सैनी समाज के साथ एक मजाक किया है, सैनी समाज को एक टिकट दे के पूरे समाज का एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि अनादर हुआ है, जबकि हरियाणा के अंदर हमारी 5 से 6 टिकटें बनती हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने लाडवा से जो विधायक रहे हैं पवन सैनी जी, उनको टिकट दिया है। हरियाणा के पूरे सैनी समाज के अंदर इस बात को लेके रोष है। हर जगह, हर हेडक्वार्टर पे, हर हलके के अंदर हमारे समाज की मीटिंगें चल रही हैं। पालाराम सैनी भी कैथल से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार थे। पालाराम सैनी ने भारी मन से बताया कि वे पिछले 5 साल से कैथल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कैथल विधानसभा से विधानसभा की तैयारी की थी और 6 साल से मैं ग्राउंड लेवल के ऊपर तैयारी कर रहा था। मैं स्वयंसेवक भी हूं और आर्य विद्यालय के अंदर शिक्षक भी रहा हूं। ग्राउंड लेवल के ऊपर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो नीतियाँ थी, जिस तरह से उन्होंने देश के और प्रदेश के अंदर काम किया है, उन नीतियों का मैंने अपने हलके में जाके कैथल जिले में जाके प्रचार किया है, क्योंकि मैं बैकवर्ड मोर्चे का जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अब जो पार्टी ने डिसीजन लिया है, ये जो टिकट लीला राम जी को दिया है, मुझे बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। मैंने पिछले 6 साल के अंदर लाखों रुपया पार्टी के अंदर खर्च किया है और हर साथी तक जो भी नीतियाँ थी पार्टी की उनको पहुँचाया है। मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा महसूस हो रहा है कि पार्टी ने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। पालाराम सैनी ने 2 अक्टूबर को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कल मैं अपने हलके के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाऊंगा। जो कार्यकर्ता मुझे डिसीजन देंगे, जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। भाजपा की टिकट वितरण की समस्या के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।